नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्केप प्लंबिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एस्केप प्लंबिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लंबिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, हम सभी प्लम्बर भाइयों ने बहुत सारे बिल्डिंगों में देखा होगा जो किचन का सॉइल वेस्ट वाटर लाइन होता है उसे पी ट्रैप या गली ट्रैप के थ्रू डायरेक्ट चैम्बर में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। और जो बालकनी का लाइन होता है उसे नीचे चैम्बर में ना कनेक्ट करने के बजाय ओपन पार्किंग में ही छोड़ देते हैं, ताकि ऊपर से अगर बालकनी में कोई पानी वगैरह डालता है तो वह नीचे पार्किंग एरिया में या जो पीसीसी एरिया है ओपन, मतलब पानी गिरते रहता है वहां पर। तो बहुत सारे लोगों को जो ओपन पानी गिरता है वह पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, अब उसे कनेक्ट करना पड़ता है। अब वो उसे कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो किचन का लाइन होता है उसमें डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू वह जो किचन के पाइप के थ्रू वह पानी चैम्बर में चले जाए, यहाँ पर ओपन ना गिरे। तो क्या होता है, किचन के पाइप का जो स्मेल है बालकनी के पाइप में आना चालू हो जाता है। अगर वह दोस्तों अगर दूसरे तरीके से करें, जैसे कि पीसीसी तोड़ के फिर से अलग से गली ट्रैप या पी ट्रैप बिठाकर चैम्बर में कनेक्ट करें, तो उसमें बड़ा खर्चा आता है। पर दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक नया फिटिंग लेकर आया हूँ जिसका नाम है कनेक्टर ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बिल्डिंग में बालकनी का पानी जो है ओपन गिर रहा है और आप उस पाइप लाइन को किचन के लाइन में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस कनेक्टर ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं किचन के लाइन में जोड़ने से पहले। दोस्तों, यह ट्रैप जो है कुछ अलग तरीके से बनाया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो है इसमें ऑफसेट करके बनाया गया है और स्टार्टिंग में आपको क्लीनिंग के लिए एक टी भी दिया गया है ऊपर प्लग मार के, ताकि आप कभी भी क्लीन करके अगर चौकअप वगैरह हो तो बालकनी का चौकअप आप खोल सकते हैं। और इसमें जो है वाटर स्टोर रहेगा, तो अगर आपका बालकनी का पानी कभी भी समझो उसमें जा रहा है तो बालकनी के लाइन में जो स्मेल है वह नहीं आएगा किचन के थ्रू। और दोस्तों, इस फिटिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वहीं पर करना है जहां पर बालकनी का लाइन ओपन छोड़ दिया गया है और कस्टमर को जो ओपन पानी गिर रहा है उससे प्रॉब्लम हो रहा है और उस पाइप को उन्हें किचन के या कोई भी और वेस्ट वाटर में कनेक्ट करना है जिसके थ्रू उसमें स्मेल आ सकता है, तो वहां पर आप इस ट्रैप कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो फिटिंग है यह मार्केट में बहुत ही कम मिलता है, आप चाहे तो इस फिटिंग को बना भी सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस फिटिंग को बनाकर भी आपको दिखा सकता हूं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मुझे आप सबको इसी फिटिंग के बारे में बताना था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे प्लंबिंग के मैं नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।